हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare <coughs> जया राध श्याम सुंदर राध श्याम सुंद रे जया कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बल राम जया गौरिताय जय गौरणीता गौरणीताय जय गौरनिता जया प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभु प्रभुपाद प्रभु पद जय ऐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्ज श्रीमद श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कान चार्ज फ्री ल प्रभुपाद की अनंत वैष्णव फ्री ल हरिदास ठाकुर की कृष्ण चैतन्य फ्री अद्वैत गदाधर भक्त की, फ्री, फ्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ कुंड राधा गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री जी महाराज की गंगा मई की यमुना मई की श्रीमती भक्ति देवी की तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की फ्री फ्री गुरु एवं गौरांगकी <coughs> <coughs> कुर्सी नहीं है कुर्सी दे चेयर दे दीजिए जिनको ओ मात माता जी लोगों को भी कठिनाई हो रही है माता जी को भी दे माता जी लोगों के लिए भी कुछ दे देना चाहिए तिरांध्य ज्ञानशलाकया चुन्मील जेन तस्म श्रीगुरव नम हे कृष्ण सिंध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमस्तुते जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोज धामदनमूहनौ तप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी देवी। प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा नमः फ्री नम फ्रीचैतन्यमोष्ट स्पित जे न भूतले सौ कदा मह्यम ददातिष्वपदान्तिकम् वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभिसुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय प्रभो नित्यानन्द प्रियद्वैतगदाधरश्रिवासादिगौर्भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के दसम स्कंध के छियालीसवें अध्याय का चौदह नंबर का श्लोक दस छियालीस चौदह ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तम आगतम शमागम्य कृष्णश्चा अनुचाराम प्रियम नंदह प्रीतह परिश्वज्य वासुदेवधिया अर्चयात तमागतम समागम्य कृष्ण श्यामचरम प्रियं नन्दह प्रीतः परिश्वज्य वासुदेव धियार्चयात तमगतम समागत्य तमागतम समागम्य कृष्ण श्याम अनुचरम प्रियाम नंदह प्रीतः परिस्वाज्य वासुदेवा नन्दह प्रीतः परिश्वज्या वासुदेव धियार्चयत् तमागतम समागम्या कृष्णशानुचरं प्रियम नन्दह प्रीतः परिश्वज्या वासुदेव धिर्चय कृष्णशानुचर प्रिय नंद प्रीत परिश्वज्या वासुदेव धीर चयत नंदा प्रीता परिस्वाइश्य वासुदेव धीर तम उद्धव के पास तक आगतम आया हुआ समागम्य पहुँचकर कृष्ण से श्रीकृष्ण का अनुचरम अनुयायी प्रियम प्रिय नंद नंद महाराज प्रीत सुखी परिश्वज्य आलिंगन करके वासुदेव धिया श्री वासुदेव के बारे में सोचते हुए अर्चयत पूजा की अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद य उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और भगवान वासुदेव की तरह उनकी पूजा की तात्पर्य उद्धव नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ही तुल्य दिख रहे थे और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद प्राप्त हुआ इस तरह भगवान श्री कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा ते तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए अतः अपने सामान्य अतिथि का आलिंगन कर करने बाहर निकल आए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोगों को उद्धव जी के ब्रज यात्रा के विषय में श्रवण का सुजोग है एक चीज है ध्यान देने की बात है कि यहाँ तीन चार दिन का क्लास रखा गया है और अब सब बात को तो यहाँ कहना कठिन है और जितना समय है उसके अनुसार उद्धव जी के ब्रज के यात्रा के क्रम से एक दो बात है, कुछ यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा और कल हम लोग भगवान ने किस स्थिति में उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं भगवान ने के मन में क्या क्या विचार आ रहा है उनमें से कुछ विचारों का हम लोग श्रवण किए भगवान उद्धव जी के गुणों पर विचार करके और उद्धव को ब्रज भेजना चाहते गृहित्वा पाणी न पाणी प्रपन्नार्थी हरी उद्धव जी के हाथ को कृष्ण अपने हाथों में लिए यह बहुत आत्मीयता का द्योतक है आत्मीयता की सूचना देता है आप कल सुन चुके हैं कृष्ण दैत सखा अर्जुन नहीं उद्धव बहुत प्रिय सखा है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और भगवान बिल्कुल अपना मान करके उद्धव जी का हाथ पकड़े और उनसे कहने लगे गच्छो ब्रजम पित्रोर्न है सौम्य पित्र न प्रीति माव करें कि हे सौम्य हे उद्धव ब्रज हम गच्छ आप ब्रज जाओ वे किस लिए ब्रज में के पित्रो पित्रो नौ प्रीति माँ हमारे माता पिता का प्रीति विधान करो भगवान समझ रहे हैं कि हमारे माता पिता बहुत दुखी हैं और उद्धव जी को वहाँ भेज रहे हैं कि कुछ है, दुख को कम करे उद्धव जी के विषय में कल आप सुन चुके हैं कि उद्धव का अर्थ ही होता है उत्सव और उद्धव जी का यह जो नाम है तो अनवर्थ नाम है अनवर्थ नाम का अर्थ है कि अर्थ के अनुरूप नाम है कभी कभी किसी का नाम दिया जाता है और उसका अर्थ से कोई मेल नहीं होता प्रभुपाद जी बोलते थे कि जन्म मेरा अंध है नाम पद्म लोचन कभी कभी कोई जन्म से ही बच्चा अंधा है लेकिन उसका भी नाम लोग पद्मलोचन रख देते हैं तो तो अनवर्थ थे नाम नहीं है लेकिन उद्धव जी का जो नाम है तो बिल्कुल व्यक्तित्व के अनुरूप है उद्धव मतलब उत्सव और उद्धव जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जहां उपस्थित होते थे तो वहां उत्सव का वातावरण छा जाता था उनकी यह विशेषता थी तो भगवान अभी चाह रहे हैं है। कि कम से कम अपने उपस्थिति से हमारे माता पिता को कुछ सुख विधान कर तो कह रहे हैं कि सौम्य पितर नव प्रीति माव हमारे माता पिता का सुख विधान कीजिए आ वह एक अर्थ है कि सुख का धारा बहा दीजिए हमारे माता पिता बहुत दुखी है लेकिन इतना महासुख का वातावरण उपस्थित कीजिए कि कुछ दिन कम से कम वे सुखी रहे आपके आने के बाद भी वे कुछ सुखी रहे और गोपिना मत वियोग आधि मत संदेश विमोचया करें कि गोपीना जो ब्रज की गोपियां हैं तो बहुत भारी मानसिक संताप में आधी कहते हैं मन के कठिनाई को मन के व्यथा को भाई कह रहे हैं कि आधि विमोचय गोपियों के मानसिक संताप को उनके मनोव्यथा को आप ढीला कीजिए ऐसा शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं कि उनके संताप को दूर कीजिए क्योंकि भगवान समझ रहे हैं कि गोपियों के संताप को दूर करना संभव नहीं भाई क्यों उनके मन में संताप है के मद वियोग हमारे वियोग के कारण उनके मन में बहुत भारी संताप है बहुत भारी मनोव्यथा है तो मत संदेश है हमारे संदेशों से विमोचया उसको ढीला कीजिए हमारे वियोग के चलते और संताप पूरा जकड़ा हुआ है तो हमारे संदेश से कुछ कुछ उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए कुछ ढीला कीजिए कुछ कम कीजिए <coughs> तो भगवान स्पष्ट शब्दों में उद्धव जी को निर्देश दे रहे हैं खास करके अपने माता पिता का सुख विधान करना चाहते हैं गोपियों के दुख को दूर करना चाहते भगवान क्या संदेश दिए इसको भक्तों ने प्रस्तुत किया है एक भक्त है, वे तो कह रहे हैं कि भगवान गोपियों के लिए कुछ संदेश देना प्रारंभ किए कुछ बोलना प्रारंभ किए लेकिन गोपियों की स्मृति आते ही अब उनके आंख से अश्रु बहने लगे और उनका गला और हो गया तो वे बहुत कुछ कह नहीं पाए लेकिन वाणी से तो बहुत कुछ नहीं कह पाए लेकिन अपने नेत्रों से बहुत कुछ कह दिए चूंकि व्यक्ति नेत्र से भी कई एक भाव प्रकट कर देता है भागवतम में खास करके गोपियों के व्यवहार में कृष्ण के व्यवहार में इस बात को दर्शाया गया वे कह रहे हैं कि नेक कही बैननी अनेक कही नैननी भगवान तो बोलना चाहते थे संदेश देना चाहते थे लेकिन अब गला और रुंध हो गया वो कुछ कह नहीं पाए थोड़ा चीज कहे इसके बाद बोलने में असक्षम हो गए लेकिन उद्धव जी उनके आँखों को देह करके कृष्ण के भाव को ग्रहण कर लिए कृष्ण तो कहने में ही रोने लगे और कह रहे हैं कि कुछ तो उनके आँखों से व्यक्त हो गया और रही सही व्यक्त की निश्चित कनी से भगवान को रुलाई आ गई गोपियों का स्मरण होते ही तो अपने को स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी स्थिर नहीं कर पा रहे सिस्कनी ले रहे थे आप लोग देखने बच्चा रोता है माँ उसको शांत करती है तो रोना तो बंद कर देता है लेकिन उसके बाद भी कुछ देर तक वो बीच बीच में शिशकन लेता रहता है तो वही स्थिति कृष्ण की है और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इत उक्त उद्धवो राजन संदेशम भर आदाय रथ रथमारूह्य प्रयोग नंद गोकुल उद्धव जी के विषय में कल आप सुन चुके हैं कि भगवान के परम भक्त परम प्रेमी एकांतिक भक्त भगवान के प्रति उद्धव जी के बहुत आदर है कह रहे हैं कि भर्तु संदेशम आदृत भगवान के संदेश को बहुत आदर के साथ स्वीकार किए ग्रहण किए और रथम आरुहिया, नंद गोकुलम प्रययऊ रथ पर चढ़ करके गांव को गए नंद बाबा के ब्रज में गए अब उद्धव जी ब्रज में जा रहे हैं ब्रज में पहुंचे तो ब्रज की क्या स्थिति है कि इसको बतला रहे हैं प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्नलोचती विभाव जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो निम्नलोचति विभाव सो उस समय सूर्यास्त हो रहा था सूर्यास्त का समय है अब सूर्यास्त का समय है और ब्रज में पहुँचे हैं तो ब्रज के लिए तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस समय गायें वन से ब्रज में लौटती है सूर्योदय के समय गायें ब्रज से बन को जाती हैं और सूर्यास्त के समय बन से चर करके गोष्ठ में लौटती हैं और तो गायें झुंड के झुंड लौट रही है और केवल गाय नहीं है बैल है साण हैं तो झुंड के झुंड लौट रहे हैं तो स्वाभाविक ही बहुत धूल उड़ रहा है आप लोगों में बहुत लोग देखे होंगे कि संध्या के समय जब गायें लौटती हैं खास करके गर्मी के दिन में तो बहुत धूल उड़ जाता है तो ब्रज में तो हजारों हजारों गायों का झुंड आ रहा है तो इतना ब्रजरज उड़ रहा है कि यान छन्न यान तो धूल के कारण उद्धव जी का रथ बिल्कुल ढक गया था कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था उद्धव जी ब्रज में पहुंचे हैं तो ब्रज का दर्शन कर रहे हैं तो ब्रज में क्या क्या स्थिति है कैसा वातावरण है इसका वर्णन कर रहे हैं कि वासितार्थे भी भी नादितम सुम भी गायें लौट रही हैं तो बहुत से गायें हैं जो वासिता है वासिता का अर्थ है कि ऋतुमती है वे साढ़ की इच्छा रख रही हैं तो उन्हें गायों के लिए साढ़ आपस में लड़ रहे हैं साढ़ है, गायों के लिए मतवाले हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपस में लड़ रहे हैं और धावंती भी उधो भारे सुबत्स का और कोई कोई गाय है कि अभी नई नई बच्चा दी है और उसके थन बहुत भारी भारी है अब वन से चर करके आ रही है तो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है हम लोग तो प्रकट देखे हैं कि जो गाय नई नई बछड़ा दी है तो कुछ देर तक तो चरती है और संध्या के समय वो घर के तरफ दौड़ती है गायों के थन बहुत बड़े बड़े हैं जो तो अपने बछड़ों के दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है यद्यपि वे बहुत तेजी से नहीं दौड़ पाती क्योंकि थन उनका बहुत भारी है लेकिन वे दौड़ रही हैं और इतः विलंगत भी गोवत्स मंडितम मंडितम और कुछ कुछ बछड़े हैं कि दूध पी लिए हैं तो दूध पीने के बाद तो बछड़े तो दौड़ने में बहुत आनंद अनुभव करते हैं तो ब्रज में तो अनेक बछड़े हैं अनेक रंग के बछड़े हैं और दूध पी करके इधर उधर दौड़ रहे हैं और गो दोहा गो दो शब्दा भी रवम बेणुना स्वनी तो ब्रज में उद्धव जी पहुंचे तो देख रहे हैं कि बहुत आवाज हो रही है किस चीज का आवाज तो गो दोह शब्दा भी गोदोहन का आवाज एक तो गाय दुहने से ही उसका जो धार गिरता है तो उसी से घर घर आवाज निकलती है और अब गाय दुहने का कार्य हो रहा है तो ग्वाल लोग भी आवाज कर रहे हैं। तो बछड़ों को अलग रखा गया है तो एक गाय को एक ग्रुप दुहा, अब दोहने का काम पूरा हो गया तो पुकारते बछड़ा छोड़ दो दूसरा बछड़ा छोड़ो को आवश्यकता पड़ती है अरे ये बछड़ा पी लिया इसको ले जाओ ये बर्तन भर गया अब दूसरा बर्तन लाओ तो कई एक तरह की आवाज आ रही है गोदोहन के क्रम में तो कह रहे हैं कि गोदोह गोदो शब्दाभिव बेणु नाम गोदोहन के कार्य में गोप लोग विविध प्रकार की आवाज कर रहे हैं बोल रहे हैं और इसके साथ ही कुछ बच्चे इतने आनंद में हैं कि वे बंसी बजा रहे हैं। तो कहीं गोपों के आवाज को सुन रहे हैं और कहीं बंसी के आवाज को सुन रहे हैं स्वलंकृता भी गोपी भी नहीं गायंती भी शुभानी बल कृष्णयो और वे गोपियों का गीत सुन रहे हैं गोपियों के विषय में कह रहे हैं स्वलंकृता भी गोपी भी गोपस्य सुविराजितम गोपियां खूब अच्छा अलंकार धारण किए वस्त्र धारण किए हैं स्वच्छ वस्त्र धारण किए हैं और कृष्ण का गीत गा रही है उद्धव जी ये सब दर्शन कर रहे है ब्रज के विषय में सुविधा आजितम ब्रज बहुत सुंदर लग रहा है गायंत भी कर्माणी शुभा निबल कृष्ण गोपिया कृष्ण बलराम के लीला का गान कर रही है खास करके बाल लीला का गान कर रही है बहुत सुंदर ब्रज लग रहा है और अग्नर् का तिथि गो विप्र पितृ देवार चनान्वित धूप दीप से माल्य गोपावासर मनोरम और ब्रज में क्या देख रहे हैं के ब्रजवासियों का घर सजाया गया संध्या के समय और उनके घर के खिड़की से धुआं निकल रहा है अगरू के धुआं निकल रहा है और घर को सजाया गया है कहीं अतिथि की पूजा हो रही है कहीं होम चल रहा है यज्ञ चल रहा है और कहीं कोई पाठ कर रहा है तो इस प्रकार उनका आवास बहुत शोभित लग रहा गोप लोग है गृहस्थ हैं और गृहस्थों का धर्म है कि वे पांच प्रकार का यज्ञ करते हैं और उसमें पाठ करना होम करना तर्पण करना तो यह सब देख रहे हैं उद्धव जी और सर्वतः पुष्पित बनम कुलनादितम हंस कारण्डवा किरणम पद्म संदेश मंडितम और उद्धव जी देख रहे हैं कि बहुत बहुत सरोवर है और उसमें पद्म खिले हुए हैं और सरोवर का जल स्वच्छ है और कमल खिला हुआ है और उसके गंध से मतवाले भौरे गान कर रहे हैं और दूसरे विपक्षी जैसे हंस है कारण्डव है तो वे भी मधुर स्वर में आवाज कर रहे हैं और इस प्रकार वे ब्रज का दर्शन कर रहे हैं उद्धव जी संध्या के समय ब्रज में पहुँचे लेकिन जब ही ये वर्णन प्रस्तुत किया जाता है और तो किसी किसी के मन में प्रश्न खड़ा होगा कि कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले गए तो ब्रज में तो शोक का वातावरण था ऐसा वर्णन किया गया है कि जमुना झुरात मुरझात भगवान के विरह में तो सरोवर भी सुख गए थे सरोवर की बात तो दूर है जमुना जी सुख गई थी और जितने लता पता है सब मुरझा गए थे लेकिन उद्धव जो वहां प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब जगह फूल भरा हुआ है और सब लोग गीत गा रहे हैं बेणु बजा रहे हैं तो यह सब है, तो सुख का द्योतक है आदमी जब है, सुखी होता है तब बंसी बजाता है दुख में तो नहीं बजाता है और है, खास करके स्त्रियों का वर्णन आ रहा है कि अलंकार धारण की है सुंदर वस्त्र धारण की है और गीत गा रही है और इस विषय में एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि भगवान उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं अपने माता पिता को सुखी करने के लिए गोपियों के कष्ट को कम करने के लिए तो उस तरह का संसाधन भी प्रस्तुत कर रहा भगवान के मन में यह विचार आ रहा है कि उद्धव यदि ब्रज की दशा देखेगा तो ये तो बिल्कुल हताशा हो जाएगा वो उपदेश क्या देगा दूसरे को सांत्वना क्या देगा और इसलिए भगवान पहले ब्रज के वैभव को दिखाना चाहते हैं भगवान योग माया को प्रेरित किए और वृंदावन के उद्धव के समक्ष वृंदावन का वह दृश्य उपस्थित हो रहा है जो कृष्ण युक्त प्रकाश है वृंदावन का दो स्वरूप एक कृष्ण युक्त प्रकाश और एक कृष्ण वियुक्त प्रकाश ये धाम प्रकाशित हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी भाव है तो उसके कोई एक संचारी भाव भी होते हैं तो जो विषाद का संचारी भाव है और मूर्छा का संचारी भाव है तो इन सब भावों को जोगमाया उद्धव के आंखों से ओझल रख रही है और जो सुखद दृश्य है कृष्ण प्रकाश युक्त जो अभिव्यक्ति है तो उसी अंश को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर रही योग माया और भगवान की इच्छा है कि एक बार कम से कम उद्धव हमारे ओरिजिनल ब्रज का दर्शन कर ले ब्रज में जा रहा है भगवान के जोग माया के व्यवस्था के अनुसार ऐसा हो रहा, और कह रहा है कह रहे हैं कि तमागतम समागम्य नंदा प्रीता परिश्व्य वासुदेव धियार्चयत चूंकि उद्धव जी का रथ ढका हुआ धूली से इसलिए बहुत लोग देख नहीं पाए इतना धूल उड़ रहा है कि रात को कोई देख नहीं पाया और सीधे उद्धव जी नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए जब बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गए तो कोई व्यक्ति जा के सूचना दिया नंद बाबा कि कोई अतिथि आए अब नंद बाबा समागम्य घर से बाहर आए और कृष्णानुचर देखे कि इसका भूषा रंग रूप सब को कृष्ण के जैसा तो अनुमान कर लिए कि कृष्ण का कोई सका कृष्ण का दूत है और इसलिए प्रियम बहुत प्रिय है एक तो उद्धव जी का व्यक्तित्व है तो वही परम आकर्षक है और उद्धव जी कृष्ण का ही वस्त्र आभूषण धारण करते थे उन्हें को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे तो इन सब लक्षणों से नंद महाराज स्पष्ट समझ रहे हैं कि कृष्ण का दूत है उद्धव है तो बहुत ही वह प्रिय है प्रिय है तो नंदा प्रीत परिश्वज अब अपने प्रिय का दर्शन करके नंद बाबा भी प्रसन्न हुए और सबसे पहले उद्धव का आलिंगन किए और वासुदेव धीरा चयत और भगवत बुद्धि से वासुदेव बुद्धि से उनका अर्चन किया तो यह तथ्य है इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य तथ्य है कि नंदा प्रीता, नंद प्रीत नंद बाबा प्रसन्न हुए अरे नंद बाबा जब से कृष्ण मथुरा गए हैं या मथुरा से लौट करके आए हैं तब तक तब से ही मूर्छित जैसा रहते थे एक क्षण के लिए भी उनके मन में कोई सुख नहीं था लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नंद प्रीत नंद बाबा प्रसन्न देखिए सिद्धांत समझना चाहिए कि यहाँ उद्धव जी के उपस्थिति का प्रभाव आ रहा है उद्धव जी उत्सव स्वरूप है तो इतना प्रभाव जरूर आया कि नंद महाराज का जो सब क्रिया समाप्त हो चुका तो कुछ करने में सक्षम नहीं थे लेकिन उद्धव जी के उपस्थिति से उद्धव जी के दर्शन से इतना जरूर नंद बाबा पर प्रभाव आया कि वे कुछ आतिथ्य करने के लिए सक्षम हो गए नहीं तो नंद बाबा की स्थिति थी कि वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे तो यहाँ जो सत्कार की बात देख रहे हैं तो उद्धव के उपस्थिति का प्रभाव वे कोई बहुत प्रबल चुंबक के लाएंगे तो उसका प्रभाव लोहा पर दिख जाता है तो उद्धव जी तो उत्सव स्वरूप है तो उसका प्रभाव आया उसी प्रभाव से नंद बाबा सत्कार करने में सक्षम हुए उनके सत्कार के विषय में कह रहे हैं कि वासुदेव धिया अर्चयत वे कृष्ण बुद्धि से उनका सत्कार किए और सिद्धांत समझना चाहिए कि जो वैष्णव हैं तो उनके हृदय में भगवान प्रकाशित रहते हैं वैष्णव भगवान के अधिष्ठान हैं और इसलिए उनको भी भगवान का स्वरूप ही माना जाता है आप नलकूबर के स्तुति में इस बात को देखते हैं कि वे कहे हैं भगवत तनु नाम ये जो वैष्णव है तो वे भी भगवान के एक स्वरूप है वो बड़ा प्रसिद्ध एक दोहा है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक ये नाम तो चार है भक्ति भगवान गुरु और भक्त लेकिन वास्तव में स्वरूप एक है तो एक सिद्धांत है कि वैष्णव भगवान के स्वरूप होते हैं इसलिए उद्धव जी को भगवत बुद्धि से ही अर्चना की यह जैसा यह भक्ति वेदांत में लिखा जा रहा है कि यद्यपि नंद बाबा उद्धव जी का सत्कार कर रहे हैं लेकिन उनका मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ वासुदेव धिया इतना अवकाश नहीं मिला कि कृष्ण से बुद्धि थोड़ी हट जाए मन थोड़ा हट जाए कार्य कर रहे हैं सत्कार कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके बुद्धि तो कृष्ण में ही अभिनिविष्ट है या वासुदेव बुद्धि से अर्चना किए इसका एक यह भी भाव है कि यदि दो व्यक्ति बहुत घनिष्ठ होता है दो व्यक्ति बहुत घनिष्ठ हैं एक साथ रहते हैं घनिष्ठ मित्रता है तो एक व्यक्ति को देह करके व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसके साथी को ही हम प्राप्त कर कोई गुरु है और जो उसके बहुत घनिष्ठ शिष्य हैं तो कभी कभी यह सुनने को मिलता है कि आप आए हैं तो हम लोगों को यही लग रहा है कि गुरु महाराज जी उपस्थित हैं ऐसा कई एक बार लोग कहते हैं दो मित्र हैं और एक है वहाँ चला गया तो ऐसा लग सुना गया है कि लोग कहते हैं कि हमको लग रहा है कि वही आ गए अब यह बात मैं कहता हूँ तो हमें भी एक घटना का स्मरण हो जाता है अब बहुत सारे लोग गौर कृष्ण महाराज को जानते हैं बिहार तो में हम लोग साथ रहते थे और उनके चाचा का आवास था भभुआ में तो प्राय वहाँ जाते थे प्राय साथ में जाते थे गौर कृष्ण जी के निधन के बाद मैं एक दिन वहाँ गया तो उनके चाचा के लड़के लोग थे वो तो कह रहे थे कि आप आए हैं तो यही लग रहा है कि भैया ही आ गए हम लोग तो बहुत घनिष्ठ नहीं थे रंग रूप लंबाई चौड़ाई भी में बहुत भारी अंतर था लेकिन फिर भी ऐसा लोग अभिव्यक्ति कर देते हैं लेकिन उद्धव और कृष्ण के घनिष्ठता को आप संबंध समझ रहे हैं वे बहुत घनिष्ठ थे और उद्धव जी का रंग रूप भी कृष्ण जैसा था और इसलिए उद्धव को देह करके नंद बाबा को कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि कृष्ण ही आ गए और इसलिए कह रहे हैं कि वासुदेव धीरा रचयित उद्धव जी का सत्कार कर रहे हैं तो कृष्ण बुद्धि से उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण से अभिन्न है तो वे क्या सत्कार किए नंद बाबा की स्थिति थी कि जब से वे मथुरा से लौट करके आए या कही है कि जब से कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तब से माँ यशोदा के रसोई में एक दिन भी भोजन नहीं बना आज तक माँ यशोदा का समय तो रोते हुए बीत रहा था जब से कृष्ण गए तो एक दिन भी भोजन नहीं बना अरे भोजन बनाने की बात तो दूर है एक दिन भी बर्तन की सफाई नहीं झाड़ू नहीं तो बहुत दिन बीत गए हैं तो रसोई घर में तो स्थिति यह है कि सब जगह जाले लगे हुए बर्तन पर धूल भला हुआ तो अब नंद बाबा के सामने समस्या है कि अतिथि आ गया अब हम क्या करें वे वे लोग थे जो भोजन नहीं करते थे एक दिन भी नहीं भोजन बनाते थे उनका समय तो रोते हुए बीत रहा था उनकी स्थिति को देख करके पड़ोस वाले कभी कुछ दूध या मठा या दही दे देते थे उसी को पी करके वे जीवन व्यतीत करते थे कभी भी भोजन नहीं बनाए लेकिन अपने लिए भले न बनाए लेकिन अतिथि आ गया एक वैष्णव आ गया तो कुछ तो भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए तो नंद बाबा ऐसे चिंता में थे लेकिन अब तो रसोई में भोजन बनाना संभव ही नहीं लग रहा था और नंद बाबा के इस विचार को उनका पड़ोसी भाप गया और कोई थोड़ा सा जाऊर बना करके जाऊर का अर्थ है कि दूध में ही चावल को पका कर के ला करके दे दिए तो कह रहे हैं कि भोजितम परमाने न सम्ष्ट कशिपुखम नंद बाबा वही जाऊर उद्धव जी को दिए उद्धव जी प्रसाद ग्रहण किए और वे सैया पर सुखपूर्वक बैठ गए गत श्रम पाद संवाहना देवी कह रहे हैं कि उद्धव जी जब थोड़ा विश्राम किए बेड पर लेट गए और नंद बाबा किसी सेवक को कहे कि उनका मसाज करो पाद संवाहन करो ओ थोड़े देर तक कोई सेवक उद्धव जी का पाद संवहन किया वे थोड़ा अब सुखी हो गए उनका थकान दूर हो गया तब नंद बाबा उनके पास गए और उनसे पूछने लगे वह तो पर्यपृत पाद संबाह देवी अब उद्धव पाद संबाहना देवी गत श्रमम पर्यपृत जब उद्धव जी का थकान दूर हो गया तो नंद बाबा उनसे पूछने लगे सबसे पहले वे वसुदेव जी के विषय में प्रश्न कर रहे कच्ची दंग महा आस्ते महाभागुरुक्त ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे सखा वसुदेव जी अपने संबंधियों से जुक्त हो करके सुख सुखपूर्वक है ना अब तो वे कंस के कारागृह से मुक्त हो गए तो अब तो सुख पूर्वक है ना और नंद बाबा वसुदेव जी के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं वे एक मन में संशय होता है कि नंद बाबा का ध्यान तो कृष्ण पर लगा हुआ है तो कृष्ण के विषय में क्यों नहीं प्रश्न कर रहे नंद बाबा अनुमान कर लिए कृष्ण के विषय में मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा जब ही वे पूछने के लिए उद्यत होंगे प्रस्तुत होंगे और तब तक गला औरुंध हो जाएगा तो कृष्ण के विषय में पूछने में अपने को असक्षम मान करके पहले वसुदेव जी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और वे कहने लगे कि दृष्टा कंसो हता पाप शानुग स्वेन पाप मन हम लोगों का बहुत भारी सौभाग्य है कि कंस मार दिया गया वो तो अपने पाप से ही मार दिया गया कोई कोई कह को सकता है कि आपका बेटा उसको मार दिया लेकिन नंद बाबा करे कि हमारा बेटा क्या मारा वो तो अपने पाप से मर गया उसका पाप ही उसको मारा है और साधु नम धर्मशिला नम यदूनम दृष्टि या सदा वे क्या पाप किया था वे कि साधुओं को दुख देता था ज्यादा भगवान के भक्त हैं सदाचारी है, धार्मिक हैं और उनको कष्ट देता था तो उसी पाप से वह मार दिया गया तो ऐसे पहले नंद बाबा के विषय में पूछ करके अब कृष्ण के विषय में पूछने का साहस कर रहे हैं कह रहे हैं कि अपिस्मृत न कृष्ण मातरम सुहदा सके खास करके माँ जशोदा को दिखा करके कह रहे हैं कि कभी कृष्ण अपने माँ का स्मरण करता है नंद बाबा उद्धव जी से बात कर रहे थे उद्धव जी वो तो आसन पर बैठे हैं नंद बाबा भी वहीं बैठे हैं लेकिन माँ यशोदा वही दरवाजे के नीचे दरवाजे के बगल में नीचे ही एक चटाई बिछा करके बोरा बिछा करके और चुपचाप बैठी हुई है कुछ बोल नहीं रही है बोल तो नहीं रही है लेकिन उसके आंख से अनवरत अश्रु बह रहे और उसके अस्तन से दूध भी छरित हो रहे बहुत है। दुखी स्थिति में है अब उसके तरफ ध्यान दे करके नंद बाबा पूछ रहे हैं कि अपिस्मृति न कृष्ण मातरम सुदा सखिन क्या कृष्ण अपनी माँ का कभी स्मरण करता है और एक तरह से कह रहे हैं कि तुम देख लो कि माँ कितनी दुखनी है कितना संतप्त है और अपने सखाओं का कृष्ण स्मरण करता है अपने संबंधियों का स्मरण करता है गोपान ब्रजम चात्मनाथम गाव वृंदावनम वनम गिरीम अरे गोपों का स्मरण करता है ब्रज का स्मरण करता है आत्मनाथम ये ब्रज का रक्षक तो वही है तो कभी गायों का स्मरण करता है जी का स्मरण करता है वृंदावन का स्मरण करता है और ऐसे प्रश्न कर रहे है। और अब कहने लगे कि गोविंद स्वजनन सक्र दीक्षितम क्या एक बार कृष्ण अपने संबंधियों को देखने के लिए यहाँ आएगा यदि एक बार भी यहाँ देखने के लिए आ जाए तो हमको अवसर मिलेगा और उसके मुख का दर्शन में कर पाऊंगा। सुनसम सुस्मित सुस्मित क्षण उसके मुख पर मुस्कान रहता है उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं और नाके बहुत उन्नत हैं तो यदि अपने माँ को देखने के लिए वृंदावन के देखने के लिए गायों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएगा तो उसके मुख का दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा कहने का आशा यह है कि नंद बाबा यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि अब तो हम लोगों के जीवन की आशा है नहीं अब एक ही मन में इच्छा है कि एक बार कृष्ण का मुख दर्शन कर लेते और नंद बाबा यह विचार प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है कि किसी के स्वजन अब बिल्कुल मरने वाले हैं या बहुत भारी रोग से ग्रसित हैं तो सदाचार है कि व्यक्ति एक बार मिलने के लिए जाता है तो ब्रज की तो यही स्थिति है सब लोग बहुत भारी विषाद में है बहुत भारी व्यथा में है तो कितना हो कृष्ण व्यस्त है लेकिन एक बार देखने के लिए तो आएगा अरे व्यथा की बात क्या है रोग की बात क्या है स्थिति तो यह है कि हम लोग तो अब थोड़े दिन के मेहमान हैं अब तो हम लोग बिल्कुल मरने वाले ही हैं तो उसके पहले एक बार देखने के लिए तो आएगा ही पर एक बार यदि उसका मुख देख लेते तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता तो कह रहे हैं कि क्या वे आएगा और इसके बाद वे कृष्ण के स्मरण करने लगे कि कृष्ण कितना उदार है कितना प्रेम करता है कि हम लोगों को बहुत बहुत संकटों से मुक्त किया आग से मुक्त किया आंधी तूफान से मुक्त किया बैल से रक्षा किया सर्प से रक्षा किया ओ ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अब मरना सुनिश्चित ही था लेकिन उस स्थिति में भी स्नेह के चलते प्रेम के चलते हम लोगों को वह मुक्त किया और अब उन सब घटनाओं का स्मरण करने पर तो हमारी स्थिति तो यह है कि स्मरतम कृष्ण बीर लीला पांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वा शिथिला क्रिया अब कृष्ण का स्मरण होता है तो हम लोग तो अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं है अरे पहले तो हम लोग दुख का अनुभव कर रहे थे लेकिन भोजन इत्यादि कर रहे थे लेकिन अब तो यह स्थिति हो गई कि अब भोजन इत्यादि भी छूट गया तो अब तो हम लोग बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे ओ क्या कृष्ण कभी इधर आएगा अब ऐसे नंद बाबा दुखी हो रहे हैं कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं मानव उद्धव जी कह सकते हैं कि अरे भाई कृष्ण के स्मरण करने से आप लोगों का भोजन पानी छूट गया तो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि उसका स्मरण कम हो कम से कम भोजन पानी चलता रहे तो एक तरह से उपाय कह सकते हैं कि घर में आप लोग रहते हैं और कृष्ण का स्मरण हो रहा है आपकी क्रिया शिथिल हो रही है कुछ करने में असक्षम है तो मन बहलाने के लिए थोड़ा घर से बाहर चले जाइए थोड़ा स्मरण कम होगा तो भोजन पानी तो कर सकते हैं तब अब नंद बाबा कहने लगे कि बाहर जाने पर जिधर दृष्टि पड़ती है कि यहाँ कृष्ण या लीला किया था या कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके तो और गाढ़ स्मरण हो जाता है हम लोग तो उसी में विभोर हो जाते हैं तल्लीन हो जाते ऐसी बात नहीं है कि घर से बाहर जाने पर कुछ कष्ट कम हो जाए बल्कि और बढ़ जाता है अब कृष्ण के संबंधित स्थान को देख करके चिन्ह को देख करके तो एकदम तन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं और उद्धव जी अब इन सब बात को सुन रहे हैं और तो परम विद्वान है अब इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं और नंद बाबा अरे कि एक बार आ जाता गोविंद अरे यह ब्रज में तो बहुत बहुत संपत्ति है गायें हैं और बहुत बहुत अलंकार है रत्न है एक बार आ जाता तो ये सब धन उसको हम लोग हैंड ओवर कर देते सौंप देते एक बार उसका उत्तराधिकार है उसकी संपत्ति अपने हाथ में ले लेता और इसके बाद जहाँ उसके रहने की इच्छा हो वहाँ रहे एक बार आ जाता उद्धव जी देख रहे हैं के नंद बाबा तो बिल्कुल कृष्ण के स्मरण में ही है और माँ के स्थिति को देख रहे हैं कि बोल तो नहीं रही है लेकिन अश्रु बह रहा है दूध छरित हो रहा है उसे उसका वस्त्र भिंग रहा है अब इसको देख करके उद्धव जी के मन में आया कि इनके वात्सल्य को कम करने के लिए कुछ कृष्ण के महिमा का गान करना चाहिए तो कृष्ण बहुत महान है देवता के तुल्य उद्धव सोच रहे थे कि थोड़ा सा इनका दुख कम हो लेकिन अब कृष्ण के महिमा का उल्लेख करने लगे कि हाथी का वध कर दिया कुबलया पीड़ कुया पीड़ का अर्थ है कि जो कु बलय को पृथ्वी को पीड़ित कर दे बहुत शक्तिशाली हाथी था जो तो कहने लगे कि उतने शक्तिशाली हाथी का वध कर दिया और उतना भारी वे धनुष था उसको ईख के डंडे के समान उख जैसा तोड़ दिया आप लोगों का पुत्र बहुत महान है अब उद्धव जी की यह बात सुन करके के नंद बाबा का और दुख बढ़ गया विचार करने लगे कि हारे दुर्दैव इतना बच्चा हाथ से निकल गया इतना शक्तिशाली था और इतना देवता के समान है और हम लोगों का सुजोग ऐसा जुटा कि ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र को पाए और वह हाथ से निकल गया कितना भारी दुर्भाग्य उद्धव जी कृष्ण के महिमा का गान किए तब इस विचार के चलते नंद बाबा का दुख और बढ़ गया उद्धव जी तो बहुत बुद्धिमान है समझ रहे हैं कि ला इसका तो दुख और बढ़ गया तब अब उद्धव जी वे कहने लगे अरे आपका बेटा भगवान है वे आपका ही केवल बेटा नहीं है आप ही उसके माता पिता नहीं हैं वे उसके सब माता पिता हैं अब यह उद्धव जी कहे कि आपका बेटा भगवान है तो सोच रहे थे उद्धव जी कि कृष्ण को पुत्र मान रहा इसलिए दुखी हो रहे हैं नंद बाबा तो इनके दिमाग में भर दिया जाए इनके मन में भर दिया जाए कि भगवान है तब तो थोड़ा दुख कम होगा लेकिन अब यह बात को सुने तो नंद बाबा के मन में विचार आने लगा कि हाय रे दुर्दैव अब वो हमारा बेटा भगवान है तो सब लोग अपने घर बुलाना चाहेंगे और इतना वे सुशील है कि किसी के आग्रह को ठुकरा नहीं सकता तब तो अब तो, तो, तो बहुत दिन तक दूर रहेगा जल्दी आएगा ही नहीं उधर ही फंसा रहेगा बहुत लोग अपने घर में बुलाएंगे और उद्धव जी तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि नंद बाबा के दुख को दूर करें लेकिन उनके उपदेश से उनके वक्तव्य से ही नंद बाबा का दुख और बढ़ता जा रहा है वो कहिए के दृष्टि से प्रयास किए और कह रहे कि इसके बाद वो समझ गए कि ना, ना ये सब सिद्धांत तो काम नहीं करेगा तो फिर से वे कहने लगे कि आपका बेटा तुरंत आएगा जल्दी आएगा यहीं रुकेगा तो वे प्रयास कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरम च राजन कृष्णानुचर से राजन ऐसे नंद बाबा और उद्धव जी का बात करते करते पूरी रात ही बीत गई इस अर्थ में कि उद्धव जी अपने एक एक युक्ति को लगा रहे थे कि कैसे नंद बाबा का ध्यान थोड़ा सा हटा दिया जाए कृष्ण से इनके वात्सल्य को कैसे थोड़ा शिथिल किया जाए लेकिन रात भर प्रवचन करते रह गए लेकिन नंद बाबा के दुख को दूर नहीं कर पाए पूरे रात तक वे उपदेश देते रहे और देखिए नंद बाबा का यह प्रेम एक तो उद्धव जी की स्थिति समझिए कि अपने आप में उत्सव स्वरूप है उनको उपस्थिति से दुख का वातावरण समाप्त हो जाता है और उपदेश देने में परम कुशल है परम विद्वान व्यक्ति लेकिन वे उपस्थित हैं और अपनी सारी शक्ति लगा करके उपदेश दे रहे हैं लेकिन नंद बाबा के दुख को दूर करने में सक्षम नहीं हो देखिए कोई कोई चीज इतना प्रबल होता है कि उसका उपाय भी फेल कर जाता है एक बार मैं न्यूज़ पेपर में पढ़ा कि दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि सब एसी फेल एसी अपना काम कर रहा है ठंडा कर रहा है लेकिन गर्मी इतनी अधिक है कि उसका प्रभाव नहीं आ रहा तो उसी प्रकार उद्धव जी का व्यक्तित्व है उत्सव स्वरूप है उनके बुद्धि है प्रतिभा है सब है सबका उपयोग कर रहे हैं लेकिन नंद बाबा का स्नेह इतना गाढ़ है कि उस पर कोई असर नहीं आ रहा तो रात भर ये बात चलती रहे लेकिन नंद और यशोदा पर उसका कोई असर नहीं आ अब रात बीत गई और उद्धव जी नित्य कृत्य के लिए गए और फिर गोपियाँ उपस्थित हुई और उनके बीच क्या बात हो रही है कैसे मिल रहे हैं इन सब बातों को हम लोग कल सुनेंगे हरे कृष्णा हाँ हाँ बोलिए हरे कृष्ण महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आप तो भागवतम के श्लोकों को इतने सुंदर व्याख्या कर रहे हैं जैसे हम लोग प्रेम राज्य में ही पहुंच गए थे और प्रेम राज्य की बात हो रही है जहाँ प्रेमी भक्तों का व्यवहार भगवान के प्रति तामन मनस का मत प्राणा इत्यादि महाराज जो उद्धव संदेश है जो उद्धव जी के द्वारा भगवान संदेश भेज रहे हैं तो केवल वो वाणी में व्यक्त कर रहे हैं या कोई पत्र भी है जिसको दिखाने के लिए या पढ़ने के लिए सभी बाबू आप बाड़ी की बात कह रहे हैं पत्र के पत्र लिखने की बात तो दूर है बाड़ी से व्यक्त भी नहीं कर पाए भरभर एक्सप्रेशन भी नहीं कर पाए लेकिन उद्धव जी विद्वान व्यक्ति हैं भगवान के जेस्चर से उनके एक्सप्रेशन को समझ गए कि वे क्या कहना चाहते हैं तो इसी से उद्धव जी का सिलेक्शन किया गया है ना जैसा जगन्नाथ दास जी वर्णन किए हैं तो कुछ कहना तो प्रारंभ किए कहना प्रारंभ किए लेकिन कह नहीं पाए गला और उन्धोग एक दो बात कह पाए वैसे पत्र की भी बात है गोपिया तो बहुत उत्कंठा के साथ पूछ रही हमको लिखो है क्या हमको लिखो है क्या? हमारे लिए क्या संदेश दिए हमारे लिए क्या संदेश दिए कोई हार्ड कॉपी नहीं है सॉफ्ट कॉपी माना जा सकता हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी के लिए ही पूछ रही गोपियां लिखना चाहती थी खुद ही लेकिन उनकी स्थिति थी कि जब भी ऐसे कागज को पकड़ते थे तो कागज ही सुलगने लगता था और है, इस स्याही को टच करती थी तो स्याही सुख जाता था इतना संताप निकल रहा था पत्र जरूर है लेकिन अब भर भर है वॉइस मैसेज कह सकते हैं ये भी समय तो चल रहा है ना वॉइस मैसेज जरूर था लेकिन हार्ड कॉपी ऐसा तो नहीं लग रहा क्या कभी बाद में अंत में भगवान फिर वापस वृंदावन आए सबको शांत नदी मिले ऐसा वर्णन आचार्यों के ग्रंथ हाँ, हाँ ऐसा वर्णन है भगवान कभी गए ही नहीं तो आने का कोई सवाल ही नहीं है और गए तो दंत का वध करके आए और गए तो भगवान तो कहते हैं कि हम रोज आते हैं लेकिन तुम लोग इसको सपना मानती हो और भगवान गए तो कभी नहीं आए <laughs> जो आपको ये सिद्धांत ग्रहण करना हो वो ग्रहण कर लीजिए सब बोना फाइट है <laughs> भगवान गए ही नहीं तो आएंगे क्या <laughs> वो वृंदावन से जाते हैं कभी आप कहेंगे कि रथ पर देखा था मैं बैठ करके संकेत है ना रथ पर तो जरूर देखे लेकिन जमुना में कहे को घुसे भगवान अपी गोपियों के दुख का वर्णन कर रहे हैं कि वे जड़ता विकार को प्राप्त हो रही हैं और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपी केवल गोपियां ही दुखी नहीं हैं भगवान भी लेकिन भगवान भी अक्रूर संयुक्त लेकिन भगवान की स्थिति है कि बड़े भाई बलराम के साथ हैं और अक्रूर के साथ हैं अक्रूर चाचा हैं बलराम बड़े भाई हैं तो रो रहे हैं भगवान भी लेकिन अब बड़े भाई हैं चाचा हैं तो वे तो बहुत छिप करके अश्रु तो आ रहा है लेकिन अपने पिताम्बर से पूछ रहे हैं लेकिन वो पूछने से क्या हुआ वो आंख पर सूखेगा तो अटपटा तो लगेगा ही ना, वो नमकीन होता है तो कह रहे हैं कि अब भगवान की भी यही स्थिति थी तो रथे न वायु वेगे न कालिंदिम अघनाश ने अब भगवान विचार किए कि हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं दुखी तो हैं तो जमुना जी का शरण लिया कालिंदिम अघनाश ने कालिंदिम जो कली को दुख दारिद्र को समाप्त करने वाली है उसके मूल अघ को समाप्त करने वाली है तो भगवान विचार किए कि अब इस स्थिति में जमुना जी हमारी सहायता कर सकती भगवान को तो लगा कि ये तो रथ हाँक दिया लेकर के भाग ही जाएगा यमुना जी में जा कर के आश्रय ले लिए भगवान जाएंगे तब न आएंगे और भगवान आते हैं द्वारका की स्त्रियां कहती हैं कि आप यदि मधुबन में चले जाते हैं या कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं तो हम लोगों का तो एक क्षण भी जुग के समान होता है जाते हैं तभी तो कह रही है ना और चैतन्य चैतामृत में तो भगवान कह रहे हैं कि मैं रोज आता हूं तुम लोगों के साथ लीला करता हूं लेकिन तुम लोगों को यही लग रहा है लगता है कि सपना में देख रहे हैं लेकिन अब तुम हमारे भाग्य से तुम लोगों की भक्ति इतनी प्रबल है कि भक्ति खींच लाएगी और प्रकट विहार करूंगा। तो एक सिद्धांत के अनुसार दंतभक्त का वध करके वे आए एक सिद्धांत के अनुसार कभी नहीं आए और सब सिद्धांत ठीक है यही भगवान का मतलब है आदमी जैसा भगवान को नहीं सोचना चाहिए हम लोगों की कमजोरी यह है कि अपने अनुसार सिद्धांत लागू करने लगते भगवान गीता में बोल दिए हैं ना कि अणोर अणिया महत्व महीया अब हम अपने दृष्टि से देखें तो कभी संभव है कि छोटा से छोटा जो चीज़ वही बड़ा से बड़ा हो जाए तो भगवान के पर विचार करना है तो उससे सिद्धांत के अनुसार विचार करना है। आपको जो पसंद हो वही मैं कह दूंगा ठीक <laughs> है <laughs> कोई दिक्कत नहीं हरे कृष्ण महाराज जी हाँ आ, जो आप बता रहे थे कि जब उद्धव वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो भगवान की योग माया के प्रभाव से आधा ब्रजवासी लोग दृश्य रूप में कृष्ण को देख रहे थे और आधा अदृश्य रूप में आए? तो जब कृष्णा वहां पर विजिबल थे आधा मतलब ब्रजवास के लिए और आधा देख नहीं रहे थे तो इस क्षण आना आधा आधा तो ऐसा तो हम कोई विभाजन नहीं किया आ, वो इतना धोर उड़ रहा था जे... कि उद्धव जी को कोई उनके रथ कोई नहीं देख रहे थे अच्छा तो अब उद्धव जी को क्या देखेंगे क्या उद्धव जी के समक्ष भगवान ऐसी व्यवस्था किए कि ब्रज का जो सुखद दृश्य है वही वो देख सके जब प्रवेश किए उस समय हाँ वृंदावन का दो स्वरूप है ब्रज का वो कभी कृष्ण संयुक्त प्रकाशित होता है और कभी कृष्ण वियुक्त प्रकाशित होता है योग तो माया भगवान प्रेरित किए कि कृष्ण संयुक्त प्रकाश ही उद्धव के समक्ष आवे वियुक्त प्रकाश न आवे वृंदावन यह बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पा जी अपने टीका में लिखे भानु महाराज से या दूसरे जगह से पढ़ सकते हैं इसको हाँ माता जी कुछ पूछ रहे महाराज जी जब दंतवक्र को भगवान मारने आए तो पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान ने सब गोपियों को नंद महाराज को सब ओल टोल सब रिजवासियों को विमान में बिठा बिठा कर उसी शरीर से ऊपर भेज दिया गोलोक तो जब इनका इतना सुखद अंत हुआ यानी तो अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्यों किया क्या अपनी प, मतलब साधारण औरतें भी अगर उनका पति पहले चला जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है तो फिर भगवान पहले छोड़कर गए जैसे चैतन्य महाप्रभु पहले चले गए और भगवान कृष्ण भी पहले चले गए और उनकी रानियां बाद में गई हैं तो एक तरह से विधवा बोली जाती है ना पति के बिना तो ऐसा मतलब भगवान ने ऐसा ही सुखद अपनी रानियों के साथ क्यों नहीं किया जैसा ब्रिजवासियों के लिए किया देखिए जब जन्म का प्रसंग आप पढ़ेंगे ब्रह्मा जी देवताओं को सलाह दे रहे हैं क्या सलाह दे रहे हैं आप लोग जा कर के जदुवंश में जन्म ग्रहण कीजिए और देवियों को भी कह रहे हैं तत्प्रियार्थ है भगवान के प्रियाओं के लिए देवियाँ भी जन्म ले तो देखिए जो भगवान के परिकर हैं तो उनके कई एक स्वरूप हैं परिकर हैं उनमें देवताओं का भी अंश है तो भगवान जब लीला का संवरण करते हैं तो जो देव अंश हैं उनको भेज देते हैं अपने जगह पर और जो नित्य परिकर हैं तो वो कहाँ जाएंगे वो तो वृंदावन में ही रहेंगे ना? या द्वारका के परिकर हैं तो वहाँ रहेंगे तो इस हिसाब से सब गणना करना चाहिए देखिए <coughs> भगवान के जन्म के सिद्धांत को समझने के बाद ही उनके लीला संबरण के सिद्धांत को समझ सकते जैसे शिशुपाल का वध किए तो सब लोग देखे कि शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकल रहा और भगवान में प्रवेश करके तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना और ज्योति कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ तो ऐसे आपात दृष्टि से देखा जाए तो यानी कि सायुज मुक्ति हुई लेकिन ये सायुज मुक्ति कोई मुक्ति है लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए चैतन्य चरितमृत के प्रारंभिक अध्यायों में स्पष्ट लिखा गया है कि स्वयं भगवान जब अवतरित होते हैं तो सारे भगवत स्वरूप भी करिया मिसाल उसमें सन्निविष्ट हो जाते हैं तो ये शिशुपाल है तो ये तो जय विजय में से ही है ना? और जय विजय कहाँ से आए थे भौम बैकुंठ से बैकुंठ से नहीं भौम बैकुंठ से और एक अंश से ब्राह्मणों के प्रति भय उत्पन्न करने के लिए ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे उनके अवहेलना न करे या भय स्थापित करने के लिए भगवान एक अंश से उनका पतन करे उसके पीछे और भी भगवान की इच्छा थी क्योंकि इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जब बलि महाराज के यज्ञ में बलि महाराज के अनुचर बामन देव को बांधना चाहे मरना चाहे तो भगवान के कइये के पार्षद वहाँ उपस्थित हो गए और छ का नाम दिया गया है तो उसमें जय विजय का अब नाम भी है ना तो एक तो यह सिद्धांत के समग्र रूप से पतन नहीं है आंशिक रूप से अच्छा अब भगवान जब अवतार लिए तो जितने विष्णु स्वरूप हैं चाहे वो भौम वैकुंठ के हों या अध्यात्म वैकुंठ के जहाँ के हों तो वे सब तो भगवान के शरीर के अंदर ही है ना तो अब तो शिशुपाल जब मुक्त हुआ तो अपने स्वामी के पास जाएगा ना अपने सेवा स्वामी के सेवा में जाएगा ना और अब उसके स्वामी तो वहीं उपस्थित है कृष्ण के शरीर में तो दूर क्यों जाए वहाँ चला गया और जब लीला संवरण करेंगे सब अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो भी अपने साथ स्वामी के साथ जाएगा तो देख रहे हैं ना देखने में लग रहा है कि ज्योति प्रविष्ट हो गई लेकिन इसके पीछे हिडन स्टोरी कुछ दूसरा है ना तो उसी तरह भगवान के जो भी परिकर हैं तो उनका जो वियोग हुआ है अलगाव हुआ है तो उसके पीछे कई एक सिद्धांत है तो अब सबको हमको ज्ञान भी नहीं है लेकिन ये सब सिद्धांत समझ करके तब कोई निर्णय दिया जा सकता है महाराज भगवान के रानियों या जो ब्रज के परिकर हैं तो कैसे ओझल हुए हमको बहुत बहुत जानकारी नहीं है तो हम इस विषय पर बहुत कुछ नहीं कह सकते खास करके पद्म पुराण तो पढ़ा ही नहीं हूँ तब उसके विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की